हेलो स्टूडेंट, कैसे हो तुम लोग? आई थिंक अच्छे हो। और आज हम लोग जर्नल का सेकंड क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जर्नल हम लोग स्टार्ट कर दिए थे, उसका थ्योरी, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कहाँ से वो जर्नल आया है, कौन सा वर्ड से आया जर्नल आया है, क्यों हम लोग जर्नल करते हैं, वो पूरा बात क्लियर कर दिए थे। आज हम लोग उसका सेकेंड क्लास का, जो हम लोग शाम स्टार्ट किए थे, उसका सेकेंड क्लास है। और आज हम लोग कुछ एक्स्ट्रा बात भी सीखेंगे, जिससे हम लोग को जर्नल करने में और भी इजी पड़ेगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ले स्टार्ट। सो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 शायद तुम लोग देख पा रहे हो। ठीक है, हम एक बार ओवरऑल पहले पढ़ ले रहे, उसके बाद हम लोग डिस्कशंस करते करते शाम को करेंगे। सो जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, मतलब वैसे जो जनरल करने के लिए बोला है। स्टार्टिंग अ बिजनेस विद कैश 16 जनवरी 2002 में, यानी कि 2 तारीख से वो लोग का बिजनेस स्टार्ट कर गए। स्टार्टिंग अ बिजनेस विद कैश, इसका मतलब हम लोग जानते हैं कि कैश बिजनेस में आया और हम लोग जो भी इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, वो मेरा कैपिटल होता है। सो इसका इम्पैक्ट हम लोग जानते हैं। पहले ओवरऑल पढ़ लें, ठीक है, उसके बाद ही हम लोग सम्स को देखेंगे। ब्रॉट अ फर्नीचर फॉर रुपीज 500, मतलब एक फर्नीचर हमने खरीदा और फर्नीचर मेरे पास आया, ऑब्वियसली कैश मेरे से गया। ब्रॉड गुड्स फॉर रुपीज 3000, गुड्स हमने परचेज किया एंड डेफिनेटली मेरे पास गुड्स आ रहा है। गुड्स मेरा नॉमिनल अकाउंट होता है और उसकी वजह से मेरा कैश भी गोज आउट हो रहा है। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स अंदन एंड सॉन ₹1000 ऑन क्रेडिट। ओके, ब्रॉड गुड्स फॉर मेसर्स महिंद्रा एंड को ₹2000 ऑन क्रेडिट। टेलीफोन टेलीफोन रेंट, एक्चुअली टेलीफोन चार्जेस होता है, रेंट भी मतलब चार्जेस ही भाड़े। सोल्ड गुड्स टू मेसर्स एस लाल एंड को ₹800 इन कैश, ये नया बात है। पेड सैलरी, पेड रेंट, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, ये एक नया बात आएगा इसमें। और 31st में जो है डेट का वो है, देखो, ब्रॉट आर डिलीवरी वैन ₹10000 फ्रॉम दिल्ली मोटर्स कंपनी। ओके, एंड पेमेंट टू बी मेड बाय मंथली इंस्टॉलमेंट ₹500 ईच टुगेदर, मतलब 500 करके हमको इंस्टॉलमेंट देना पड़ता है। एंड टुगेदर, टुगेदर मतलब होता है एक साथ, टुगेदर विद इंटरेस्ट 9% पर एनम, एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड बाई 6। ये पूरा हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, और इसको ही हम लोग एक एक करके अभी डिस्कशंस करेंगे, उसके ऊपर हम लोग उसका सॉल्यूशंस कर देंगे, ठीक है ना। चलो, सो सबसे पहले स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश, सर पैसा आया, ठीक है, और पैसा कहाँ पर आया, बिजनेस में आया। पैसा अगर कोई सोच रहा है अभी भी कि सर जा रहा है, तो वो घर से जा रहा है। बार बार हम ये बात को क्लियर कर दिए थे कि कोई भी पैसा अगर हम बिजनेस में लगा रहे हैं तो वो बिजनेस में आ रहा है, इन्वेस्ट कर रहे तो वो बिजनेस में आ रहे हैं, घर से जा सकता है, घर का हिसाब हम लोग नहीं रखते। सो डेफिनेटली यहाँ पर जो बात होगा वो ये कि मेरा कैश डेबिट एंड कैपिटल क्रेडिट। तो जनरल क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, देख पा लो शायद। उसके बाद नेक्स्ट जो है, ब्रॉड फर्नीचर फॉर कैश फॉर ₹500। अब देखो यहाँ पर कैश तो मेंशन किया नहीं है, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर और एक भी बहुत लोग गलती करता है कि फर्नीचर परचेस किया है तो वहां पर भी हम लोग परचेस अकाउंट बिठा देते हैं, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। नहीं, गलत क्या है, अगर हम लोग गुड्स परचेस करते हैं तो उसका 4 डिविजन होता है, जो हमने क्लास में दिए थे, परचेस, सेल्स, परचेस रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न। बट गुड्स छोड़ के कुछ भी और भी चीज खरीद रहे, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, मशीन, फर्नीचर, स्टेशनरी, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, एनीथिंग एल्स, वो तुम्हारा उस नाम से आएगा। यानी कि अगर तुम फर्नीचर परचेस कर रहे हो तो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, गुड्स का फर्नीचर, ऑफ कोर्स फर्नीचर। सो फर्नीचर विल कम्स इन, दैट्स व्हाई फर्नीचर इज द एसेट, दैट्स व्हाई इट विल बी डेबिटेड, एनी एसेट कम्स इन डेबिटेड। एंड इसके थ्रू हम लोग परचेस कर रहे हैं, सर कैश के थ्रू, सर कैश तो बोला नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर कुछ नहीं बोला है, तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा क्या, कैश से ही हम लोग परचेस कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या होगा, जनरल फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्यों, क्योंकि कैश मेरे पास से जा रहा है, ठीक है, ओके। ब्रॉड गुड्स फॉर ₹3000, यहाँ पर हम लोग का गुड्स आ रहा है, यहाँ पर हम लोग का गुड्स आ रहा है, गुड्स आ रहा है मतलब यहाँ पर एज ए खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि गुड्स को हम लोग रियल अकाउंट से मापते नहीं है, ठीक है ना, सोचते भी नहीं है, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट। तो गुड्स के बिहाफ में क्या आएगा, परचेज,
क्यों? क्योंकि यहाँ पर गुड्स ब्रॉट किया है, परचेस किया है, सो परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट होगा, एंड उसके वजह से मेरे पास से गोज आउट क्या हो रहा है सर? कैश, तो कैश शुड बी क्रेडिट, तो जनरल क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि कैश के थ्रू हमने सेल किया, कि कैश के लिए हमने सेल किया, बहुत सारा मीनिंग होता है, मगर मीनिंग एक ही है, नीट मीनिंग एक ही है कि मैंने कुछ सेल्स करके मेरे पास कैश आया, हमने कुछ सेल्स किया, दैट्स व्हाई मेरे पास कैश आया, तो कैश विल बी कम्स इन, कैश विल बी डेबिटेड, कैश आ रहा है मेरे पास, तो कैश अगर मेरे पास आता है तो वो मेरा डेबिट होता है, रियल अकाउंट, क्योंकि कैश रियल अकाउंट होता है सर. एंड किसके वजह से आ रहा है? किसके वजह से आ रहा है? सर सेल्स के वजह से, क्योंकि सेल्स अगर नहीं होता तो कैश भी नहीं आता, तो सेल्स मेरे लिए क्या है? इनकम, दैट इज अ नॉमिनल अकाउंट, सेल्स इज अ इनकम. तो यहाँ पर हम लोग गुड्स तो नहीं लिख सकते, हम लोग गुड्स के बिहाफ में क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गॉट इट? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. ओके, नाउ नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू मेसर्स अंडर हैंडसन फॉर रुपीज 1000 ऑन क्रेडिट. मतलब ये कि हमने कुछ गुड्स उधार में बेचा अंदान को, यहाँ पर टू बहुत बड़ा मायने रखता है, तो टू अंदान है, टू अंदान का मतलब अंदान को हमने बेचा, सो सिंस हमने अंदान को बेचा ऑन डेफिनेटली क्रेडिट में, तो ही गॉट अ बेनिफिट फ्रॉम मी, यानी कि वो कुछ बेनिफिट लिया मुझसे. एंड हम लोग जानते कि अंदान इज अ पर्सनल अकाउंट, सो पर्सनल अकाउंट में क्या लॉजिक है? कि कोई भी बंदा अगर एडवांटेज लेता है, यानी कि हु पर्सन टेकिंग अ बेनिफिट, ही विल बी और शी विल बी डेबिट, तो अंदर क्या होगा यहाँ पर? डेबिट. एंड सेल्स से मेरा कुछ इनकम भी होता है, हो सकता है कि वो मुझको बाद में दे, मगर फिलहाल मेरे लिए तो इनकम ही है, तो सेल्स मेरा क्या जाएगा? क्रेडिट में, सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा, तो जनरल क्या बन गया? अंदर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, गॉट इट? ओके. Brought goods from Mrs. Mahendra and Co. rupees 2000 on credit. मतलब कि हमने अब महिंद्रा से गुड्स खरीदा, हमने महिंद्रा से गुड्स खरीदा, अब फिर से महिंद्रा आ गया, मतलब वो एक पर्सन है. ओके, महिंद्रा एंड को अगर बोले तब भी वो आर्टिफिशियल पर्सन ही है, आर्टिफिशियल पर्सन, सो वो पर्सन ही है, तो पर्सन में फिर से हम बोल रहे हैं कि पर्सन में क्या डेफिनेशन था? Any person taken benefit will be debit. Any person given benefit will be credit. So यहाँ पर महिंद्रा एंड को मुझको benefit दे रहा है. सर कैसे? क्योंकि हम उससे purchase कर रहे हैं. Since हम उससे purchase कर रहे हैं, तो वो मुझको उधार का benefit मुझको दे रहा है. तो वो बंदा credit होगा, क्योंकि वो मुझको उधार का benefit दे रहा है. Benefit of advantage for credit. So definitely he will be credit. And मेरे पास क्या आया? सामान आया. सो परचेस डेबिट होगा, क्योंकि गुड्स हम लोग परचेस कर रहे हैं, यहाँ पर दूसरा कोई चीज़ होता, मशीन फर्नीचर, तो वो डेबिट होता, तो यहाँ पर जनरल क्या होगा? परचेस अकाउंट डेबिट टू अंदर अकाउंट, गॉट इट? नेक्स्ट 18, पेड टेलीफोन रेंट. सो सिंपल, हम पे कर दे तो डेफिनेटली वो मेरा खर्चा है, और रेंट जो भी हम दे रहे भाड़े, जो भी हम दे रहे भाड़ा टेलीफोन बिल का, तो वो मेरे लिए खर्चा ही होता है, नॉमिनल अकाउंट, इट शुड बी डेबिटेड, कोई भी एक्सपेंस डेबिट होता है. और किसके थ्रू हम पेड कर रहे? कैश के थ्रू. सर कैश कहाँ बोला है? भाई पेड बोल दिया ना, तो पेड भी तो हम पेड कर रहे, तो किसके थ्रू ही करेंगे? कैश नहीं तो चेक, चेक तो बोला नहीं है, तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा क्या, पकड़ना पड़ेगा क्या कि कैश. सो जनरल क्या होगा? टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्या बहुत लोग लिख सकते हैं टेलीफोन रेंट अकाउंट डेबिट, दोनों ही सही है. टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके, चलो नेक्स्ट, पेड सैलरी, सेम कॉन्सेप्ट, सैलरी पेड किया तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, सिंपल, क्योंकि सैलरी हम किसको दे रहे हैं वो बड़ी बात नहीं होता, बहुत जगह में ऐसा भी लिखा रह सकता है कि सैलरी, पेड सैलरी टू स्टाफ, पेड सैलरी टू असिस्टेंट, मैटर नहीं करता किसको हम दे रहे हैं, असिस्टेंट को दे रहे हैं कि स्टाफ को दे रहे हैं, मैटर नहीं करता, मैटर यही करता है कि हम क्या दे रहे हैं, दैट इज आई विल पे, व्हाट आई विल पे, एक्सपेंस, मतलब सैलरी मेरे लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस अगर है तो वो मेरा डेबिट होगा, ठीक, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. ओके,
पेट रेंट, तो रेंट हम लैंडलॉर्ड को दे रहे हैं कि हम दूसरे को दे रहे हैं मैटर नहीं करता, रेंट हम दे रहे हैं, तो रेंट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंस है। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली हमको बार बार देना पड़ेगा, तो जो चीज हम बार बार करते हैं वो मेरे लिए एक्सपेंस माना जाता है। सो पेट रेंट कर रहे तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश से पेमेंट कर रहे हैं। 30 नंबर का साथ जो और एक चीज है वो देख लो, विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज। ये थोड़ा सा हम समझाना चाहते हैं, जब भी हम लोग को प्राइवेट, देखो यहाँ पर बात ये है, विथड्रॉ किया, विथड्रॉ का मतलब क्या होता है सर, विथड्रॉ का मतलब होता है कोई चीज को उठाना, कहीं से भी कोई चीज को उठाना। सो विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बैंक से हम क्या उठाएंगे, खाना खाने का चीज तो नहीं उठा सकते, तो डेफिनेटली हम क्या उठाएंगे, पैसे ही उठाएंगे, हमने जो बैंक अकाउंट में जमा किए सही, तो वहां से हम पैसा उठा रहे, मुझको दरकार है, तो अगर मेरा पैसा उठा रहे तो मेरा बैंक बैलेंस गिर है, जितना भी उठा है, वो 5 रुपये उठाए, 50,000 उठाए, 5 लाख उठाए, वट एवर एनीथिंग एल्स यू विथड्रो फ्रॉम योर बैंक, सो दैट टाइम बैंक बैलेंस विल रिड्यूस, बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। सो बैंक अगर रिड्यूस हो रहा है तो बैंक क्या होगा, डेबिट क्या क्रेडिट, क्योंकि एनी ऐसे गोज आउट, पैसा जा रहा है, सर मेरे पास तो पैसा आ रहा है हाथ से, हाँ मगर मेरा एसेट से तो गिर रहा है, मेरा बैंक बैलेंस तो ऐसे है, तो मेरा बैंक बैलेंस तो गिर रहा है, तो ऐसे ही गोज आउट, रिड्यूस कुछ भी बोल सकते हो। सो बैंक क्या होगा, डेबिट का क्रेडिट, बैंक होगा क्रेडिट। अब दूसरी बात, अब यहाँ पर डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, देखो याद रखना, जब भी हम लोग कोई भी पर्सनल अकाउंट, पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल अकाउंट नहीं, पर्सनल यूज के लिए, मतलब प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक पर्पसेस, सोन ट्यूशन फीस, डॉटर ट्यूशन फीस, लाइफ में लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी पेड, ये सब कुछ जो भी हम बोले, वो सुन लेना, जो भी हम बोले वो सब क्या है, मेरा अपना है, मेरा पर्सनल है, सही। तो कोई भी अकाउंट में कोई भी चीज अगर हम लोग पर्सनल यूज के लिए खर्चा करते हैं तो उसका नाम होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पर ड्रॉइंग, उसका नाम होता है ड्रॉइंग, DRAWING, स्पेलिंग वही है जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, मगर यहाँ पर ड्रॉइंग का मतलब होता है ड्रॉ का मतलब होता है विथड्रॉ करना, एंड ING क्यों सर, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस में होता है। ऑब्वियसली तुम लोग सोच के देखो, जब भी हम लोग कोई बिजनेस से गुड्स उठाते हैं कि कैश उठाते हैं, कुछ भी उठाते हैं बिजनेस से फॉर पर्सनल यूज के लिए, तो वो क्या पूरा जिंदगी में एक ही बार उठाएंगे, पैसा सोच के देखो, गुड्स तो छोड़ दो, गुड्स हो सकता है कि साल में एक बार दो बार, मगर पैसा तो हम लोग बिजनेस से उठाएंगे, मेरा घर कैसे चलेगा। सो ऑब्वियसली ये मेरा कंटिन्यूअस टेंस में होता है, कंटिन्यूअस टेंस में होता है, तो दैट्स व्हाई ये ड्रॉ बोल के नहीं आता, ये ड्रॉइंग बोल के आता है, DRAWING, ड्रॉइंग, गॉट इट। तो ये लॉजिक है, बहुत लोग ये सोचता है कि सर ड्रॉ लिख देंगे, नहीं। दूसरी बात और एक बात बोलना चाहते हैं कि जब भी हम लोग का पर्सनल यूज बोल देगा, प्राइवेट यूज बोल देगा, और भी जो जो हमने बोला, डोमेस्टिक पर्पसेस, सॉन ट्यूशन फीस, डॉटर ट्यूशन फीस, स्कूल फीस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, इनकम टैक्स पेड, ठीक है, डोमेस्टिक सर्वेंट सैलरी पे, ये सब मेरा घर का खर्चा है, मेरा सॉन डॉटर लाइफ इंश्योरेंस जो भी है वो सब मेरा घर का खर्चा है। सो घर का कोई भी चीज़ अगर हम लोग खर्चा करते हैं मेरा बिजनेस का पैसा से, सो वो मेरा खर्चा बनता है ड्रॉइंग बोल के। और एक बात हम बोलना चाहते हैं जिसको तुम लोग बहुत ईजीली दिमाग में रख सकते हो, अगर तुम लोग याद रखना चाहोगे तो, ये मेरा बिजनेस है और ये मेरा घर है, ठीक है, बिजनेस एंड घर। अगर हम लोग, अच्छा ये इस साइड में करते हैं, इसको, अच्छा ये मेरा घर है और ये मेरा बिजनेस है। घर से कोई भी चीज अगर हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, घर से कोई भी चीज अगर बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो मेरा कैपिटल होता है, बात याद रखेंगे, कोई भी चीज, एनीथिंग एल्स यू इन्वेस्ट योर बिजनेस इज कॉल्ड योर कैपिटल।
अगर बिजनेस से घर में कोई चीज लेके जा रहे हैं कि बिजनेस का कोई भी पैसा हम घर के लिए यूज कर रहे, जो इस सम्स में था, वो मेरा क्या होता है? ड्रॉइंग। वो मेरा होता है ड्रॉइंग। आई बात समझ में? तो ये रिवर्स कॉन्सेप्ट है, बिजनेस घर से बिजनेस कैपिटल, बिजनेस से घर ड्रॉइंग। ठीक है, ये बात को याद रखना और कभी भी मत भूलना, क्योंकि बहुत बार मतलब आज से जो स्टार्ट हो गया ये तुम लोग को पीछा नहीं छोड़ेगा, कहीं ना कहीं पे पर्सनल यूज, पर्सनल डोमेस्टिक पर्पसेस कुछ ना कुछ रह ही जाएगा, ईच एंड एवरी ईयर, ईच एंड एवरी चैप्टर। ठीक है, तो ये बात को क्लियर रखना, हमने ऐसे ड्रॉ करके दिखा दिया। सो अब इसका जनरल क्या होगा? फिर से हम बोल रहे हैं विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज और प्राइवेट यूज। तो मैंने बैंक से कुछ पैसा उठाया, बैंक बैलेंस तो गिरा सर, बैंक तो क्रेडिट होगा, और किस पर्पस के लिए उठाया? बिजनेस पर्पस के लिए। क्या घर के पर्पस के लिए? सर घर के पर्पस के लिए। तो घर का बिजनेस का पैसा घर में लेके गया तो मेरा क्या होता है? ड्रॉइंग। तो इस केस में जनरल क्या होगा? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बात समझ में आया? ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर अगर बिजनेस का कैश उठाते, बैंक से नहीं उठा के कैश उठाते बिजनेस का, मगर घर के लिए, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश होता। सर अगर हम लोग बिजनेस पर्पस के लिए ही उठाते, बिजनेस का ही कैश बिजनेस पर्पस के लिए उठाते, तो जनरल होता कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसका रीजन भी हम बोलते रहे क्योंकि हम बिजनेस का ही पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट कर, सॉरी यूज कर रहे, बिजनेस का ही पैसा बिजनेस के खर्चा के लिए यूज कर रहे, तो वो मेरे लिए ड्रॉइंग कैसे हुआ? वो तो पर्सनल यूज नहीं हुआ। और दूसरी बात है कि हम जब भी कोई चीज उठाते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो मेरे हाथ में क्या आ रहा है? बैंक से क्या आ रहा है? मेरे हाथ में कैश आ रहा है। सो कैश विल बी डेबिटेड क्योंकि कैश इज कम से फ्रॉम माई हैंड, फ्रॉम माई हैंड, एंड बैंक बैलेंस मेरा उस टाइम पे भी गिर रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जब हम लोग कैश विदड्रॉ फॉर फॉर्म ऑफिस यूज करेंगे। ठीक है, फॉर्म बैंक फॉर ऑफिस यूज करेंगे तब जाके कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक आएगा। ओके, चलो लास्ट एंट्री देख ले के क्या था, कहाँ गया था। लास्ट एंट्री में दम है, क्या बोल रहे देखो, ब्रॉट वन डिलीवरी वैन 10,000 फ्रॉम दिल्ली एंड मोटोर कंपनी, दिल्ली मोटोर कंपनी से हमने कुछ ड्रॉ किया। सबसे पहले सोचो ये हमने परचेस किया, मेरे पास क्या आया? सर वैन आया। वैन क्या होता है? सर एसेट होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत साल तक चलेगा, वैन गाड़ी व्हीकल्स कार ये सब तो एसेट ही होता है। सो वैन विल बी क्या? डेबिट। ओके, अब क्या हमने पैसा पेमेंट किया उस टाइम पे? नहीं सर। कैसे नहीं सर? क्योंकि वहां पर ही मेंशन कर दिया था पेमेंट टू बी मेड बाई मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट वाइज पेमेंट कर रहे हैं कोई भी चीज, कोई भी चीज, वो हम लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, बिल्डिंग खरीद सकते हैं, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, बहुत लोग तो कार खरीदता ही है इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या? फुल्ली पेमेंट? नो, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है उधार, ऑन क्रेडिट। अब तुम थोड़ा थोड़ा करके एट ए टाइम तुम तो दे नहीं सकते, जैसे कि गुड्स हम लोग ऑन क्रेडिट में बेचते हैं कि हम लोग परचेस करते हैं, तो गुड्स का पेमेंट एक साथ हो सकता है, 50,000, 2,000, 1,000 इसका पेमेंट हो सकता है, मगर एक कार खरीद लिए, एक बिल्डिंग खरीद लिए 50 लाख का, तो क्या एट ए टाइम दे सकते हैं? और अगर एट ए टाइम दे ही सकते हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट का वो तो तुम दे ही दो, अभी 3 महीना के बाद भी तुमको देना है, 2 महीना के बाद भी देना है, और अभी के अभी देना है तो अभी के अभी दे दो। नहीं करते हम लोग, अगर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं तो वो 2-3 साल तक हम लोग पेमेंट करते रहते हैं और मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, जिसका नाम है ईएमआई से हम लोग पेमेंट करते हैं। तो वो मेरे लिए तो बर्डन ही है, वो तो मेरा क्रेडिट ही हुआ, वो मेरा पेमेंट कहाँ हुआ? वो मेरा कैश पेमेंट कहाँ हुआ? बात समझ में आ रहा है? ओके, अब दूसरी बात, जब हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट से पहले जो गाड़ी खरीदे वैन खरीदे, सो वैन मेरे लिए क्या हुआ? एसेट। सो वैन अकाउंट डेबिट टू दिल्ली एंड मोटर्स, मुझको एडवांटेज दिया ना उधार का, दिल्ली एंड मोटर्स एडवांटेज दिया ना उधार का, तो एनी पर्सन गिवन बेनिफिट विल बी क्रेडिट, तो दिल्ली एंड मोटर्स क्या होगा? क्रेडिट। तो जनरल क्या हुआ? जनरल हुआ
बैंक अकाउंट डेबिट टू दिल्ली एंड मोटर्स अकाउंट, ओके ये पहला जनरल हो गया। दूसरा जो बात था कि 500 इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर रहे टूगेदर विद द 9% पर एनम यानी कि इंटरेस्ट दे रहे एंड फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वाज पेड बाय चेक। अब सोचो कि हम लोग जो पेमेंट कर रहे हैं ऐसे इंस्टॉलमेंट कितना सर 500 ये पेमेंट कर रहे और उसके साथ टुगेदर विद इंटरेस्ट का मतलब इंस्टॉलमेंट के साथ इंटरेस्ट भी दे रहे। सो एड इंटरेस्ट भी तो होता सो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा सर 10,000 हमने लिया उधार, गाड़ी खरीदा तो 10,000 का, वही तो मेरा उधार हो गया। तो 10,000 का 9% 10,000 का 9% सर 900 रुपए। बट 9% के 9% के बगल में देखो पार एनम लिखा है। ये पार एनम का मतलब क्या है? पार एनम का मतलब होता है सर पूरा साल का। तो पूरा साल का है 9%, मगर हम लोग जनरल कर रहे कौन सा मंथली, मंथ का, और बोल भी दिया कि इंटरेस्ट जो देते हैं इंस्टॉलमेंट जो देते हैं वो मंथली देते हैं। सो डेफिनेट है ये 9% जो है ये मेरा 12 महीना का है, ये मेरा 12 मंथ का है। तो इसको हमको एक महीना में कन्वर्ट करना है, एक मंथ के लिए कन्वर्ट करना है, तो मुझको डिवाइडेड 12 करना है। तो यानी कि 10,000 इंटू 9% इंटू 1/12, ओके सिंपल। तो यहां पर आ जाएगा 900 को 12 से 75, यानी कि 575 रुपए हम पेमेंट कर रहे हैं एज ए इंस्टॉलमेंट और ईएमआई। इसको हम लोग ईएमआई भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ईएमआई एडिक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट। सो डेफिनेटली हम लोग इतना ही हम लोग पेमेंट कर रहे हैं और पेड बाय चेक बोला है। तो किसको पेड कर रहे हैं सर? दिल्ली एंड कंपनी को, क्योंकि दिल्ली एंड कंपनी से ही तो उधार लिए थे। सो कोई भी पर्सन को, कोई भी पार्टीज को अंकर हम लोग पेड कर रहे हैं तो वो क्या होगा? डेबिट, क्योंकि वो अभी एडवांटेज ले रहे। वो मुझको जब सेल किया था, मतलब हम उससे जब परचेस किए थे वैन, तब वो मुझको एडवांटेज दिया था, अभी हम उसको एडवांटेज दे रहे हैं पेमेंट करके, तो ही विल डेबिट इट क्योंकि वो अभी टेकन कर रहा बेनिफिट। सो दिल्ली एंड मोटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पेमेंट कर रहे थ्रू बाई बैंक, और अमाउंट कितना होगा 575। बस हो गया, कितना इजी, ठीक है। सो ये लास्ट वाला एंट्री एंड विड्रॉ वाला एंट्री जो ड्राइंग हमने समझाया, इसको याद रखना क्योंकि ये बहुत काम का आएगा, और ये लास्ट वाला एंट्री तो काम का ही था, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जीएसटी जनरल विद जीएसटी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जीएसटी का भी कुछ इम्पैक्ट आता है, वो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट है मगर थोड़ा सा इजी भी है, तो हम लोग इजी मान के ही चल रहे, ठीक है। डिफिकल्ट हम मेरे ऊपर छोड़ दो, हम समझा देंगे कि कब कहाँ पर कैसे यूटिलाइज करना है जीएसटी एंड कैसे जनरल भी पास करना है। बहुत इजी है मगर हम लोग कर लेंगे, ओके। तब तक के लिए बाय।